नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम और आपके साथ मैं हूं अर्षिता। टिकट वितरण के बाद पार्टी के अंदर मचे घमासान का निराकरण करने की तरफ बढ़ रही कांग्रेस ने एक बार फिर अपने प्रत्याशियों को बदला है। कांग्रेस ने आज बुधवार को 4 प्रत्याशियों के बदलने की घोषणा की है और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे संवाददाता संदीप। तो संदीप, आगे भी पार्टी की ओर से और सीटों पर क्या प्रत्याशियों को बदला जा सकता है? हर्षिता, मैं आपको बता दूं कि मिशन 2023 के लिए कांग्रेस ने अपने 230 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है और उसी कड़ी में जहां बगावत ज़्यादा तेज नज़र आ रही थी, कांग्रेस ने ऐसी 7 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को बदल भी दिया है। अगर आज की बात की जाए तो आज 4 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं। वहीं अब आने वाले दिनों में उम्मीद जताई जा रही है कि आलोट विधानसभा के साथ उज्जैन की बड़नगर, देवास की खातेगांव और बैतूल की आमला विधानसभा सीट के अलावा भोपाल उत्तर, महू और इंदौर क्रमांक 4, नर्मदापुरम के साथ साथ बुरहानपुर, बदनगर और उज्जैन उत्तर, रीवा, सीधी के साथ साथ महू विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस अपने प्रत्याशी को बदल सकती है। और इसको लेकर 28 तारीख को एक बड़ी बैठक दिल्ली में कांग्रेस की आयोजित की जा रही है, जिसमें यह रणनीति बनाई भी जाएगी। और उसी क्रम में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने आज बड़ा फैसला लिया है और अपने 4 प्रत्याशियों को आज बदला है। दूसरी सूची कांग्रेस ने जारी की थी उसमें भी हमको देखने को मिला था कि कांग्रेस की ओर से 4 प्रत्याशियों को बदला गया था। यानी कि अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जहां जहां पर भी विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है, वहां पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को बदल सकती है। जी, तो आने वाले समय में अगर माने तो जिस तरह से अभी 4 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं, अगर अनेक सीटों पर भी प्रत्याशी बदलने की जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या प्रत्याशियों को आगे भी बदलेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस में दूसरी और तीसरी सूची आने के बाद से लगातार घमासान मचा हुआ था, उसको डैमेज कंट्रोल करने के बाद में ये कांग्रेस का बड़ा एक तरीका माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब भी रहती हुई नजर आएगी। लिहाजा कांग्रेस ने अपने 7 प्रत्याशियों को बदला भी है और उसी कड़ी में जिस तरीके से दिल्ली में कमलनाथ और तमाम आला अधिकारियों और नेताओं की बैठक होगी, उसके बाद में उम्मीद जताई जा रही है कि 29 तारीख या 28 तारीख शाम तक ये सारे चेहरे हम सबके सामने होंगे, जहां पर लगातार प्रत्याशियों की मांग की जा रही है और स्थानीय प्रत्याशियों को लेकर जिस तरीके से बिगुल फूका जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा, ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस 28 तारीख तक ये बड़ा फैसला ले सकती है। और ऐसा अगर कांग्रेस के द्वारा किया जाता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक ये कांग्रेस की ओर से काफी डैमेज कंट्रोल विधानसभा चुनाव में किया जा सकता है। जी देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने टिकट बदले हैं तो यदि अन्य सीटों पर विरोध के स्वर बढ़ते हैं तो क्या प्रत्याशियों को इससे बढ़ावा मिलेगा? मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने की कार्यकर्ता की ओर से लगातार पीसीसी दफ्तर भोपाल में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और स्थानीय तौर पर भी विरोध प्रदर्शन हम सबको देखने को मिल रहा है। लिहाजा जहां जहां पर ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी की ओर के कार्यकर्ताओं की ओर से और नेताओं की ओर से किया जा रहा है, वहां के प्रत्याशियों को लेकर और कार्यकर्ताओं को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के जो आला अधिकारी और नेता हैं वो स्थानीय कार्यकर्ता और नेताओं से बातचीत कर डैमेज कंट्रोल करने की जुगत में भी लगे हुए हैं। और उसी कड़ी में ये 7 विधानसभा जहां पर कांग्रेस ने दूसरी सूची और अपनी चौथी सूची में आज 4 और 7 3 करके ऐसे 7 प्रत्याशियों को बदला है, ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आने वाले दिनों में भी प्रत्याशी को बदल सकती है और डैमेज कंट्रोल करने का काम करेगी। क्योंकि स्थानीय कार्यकर्ता जिस तरीके से आक्रोशित नजर आ रहे थे, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को खामियाजा विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता था। ऐसे में कांग्रेस ने यहां बड़ा कदम विधानसभा चुनाव के पहले उठाया और 30 तारीख तक नामांकन करने की यह अंतिम तिथि है, इससे पहले ही कांग्रेस कोई ना कोई और बड़ा कदम उठा सकती है और तमाम जहां जहां पर स्थानीय कार्यकर्ता और नेता विरोध कर रहे हैं वहां पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। जी देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने अन्य सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं तो कांग्रेस की ओर से डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाया गया है और विधानसभा चुनाव में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है, लेकिन इस पर भाजपा की ओर से भी लगातार तंज कसे जा रहे हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि लाभ लेने के चक्कर में क्या कांग्रेस को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है?
देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा, बल्कि जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनकी सक्रियता देखी जाएगी और जो जिस प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट काटकर उतार रही उसकी भी कहीं ना कहीं सक्रियता और उसकी भी स्पष्टता देखी जाएगी और जो पहला प्रत्याशी उसको कहीं ना कहीं दूसरे ऑप्शन की ओर कांग्रेस काम कर सकती है, यानी जिस प्रत्याशी को वर्तमान में उतारा गया है और जिनकी सीट बदली जाएगी उनके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस दूसरी विकल्प तलाश सकती और आने वाले दिनों में लोकसभा के भी चुनाव है तो कहीं ना कहीं उनको दूसरी ओर भी पार्टी मौका दे सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ सकता और अगर कांग्रेस पूरे अपने नियम अनुसार चलती है तो इसका फायदा कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखना पड़ सकता है। जी देखिए, जिस तरह से अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में भी लगातार विरोध के स्वर जो है उठ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस की ओर से उठाए इस कदम से भाजपा को दिक्कत हो सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस की ओर से कदम उठाए गए ये काफी विरोध प्रदर्शन जो स्थानीय कार्यकर्ता का था उनके बाद में उठाए गए। हम बीजेपी में भी लगातार 5 सूची आने के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी भी लगातार जहां जहां विरोध हो रहे हैं वहां के नेताओं से बातचीत कर रही है। हो सकता है कि अगर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को बदल रही है तो बीजेपी भी 2 से 4 दिनों में ये कदम उठा सकती है और बीजेपी भी कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों को बदल सकती है या फिर जहां जहां विरोध प्रदर्शन भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है उसको देखते हुए भाजपा भी दूसरे विकल्प पर बातचीत कर सकती है और स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं भाजपा भी मना सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाजपा हो या कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जहां जहां विरोध नेताओं द्वारा तेज किया जा रहा है और विरोध के स्वर हमको दिखाई दे रहे हैं वहां पर डैमेज कंट्रोल दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से लगातार किया जा रहा है और उनसे लगातार बातचीत कर उनको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जा रही है। जी देखिए, जिस तरह से हम देख रहे थे नेताओं के विरोध के स्वर उठने से दल बदल का सिलसिला भी जारी था, लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस ने अभी टिकट बदले हैं तो इसके बाद क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की ओर से दल बदल का सिलसिला रुक जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में नेताओं का दल बदल जारी था उससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की ये 3री सूची जारी की और उसमें कहीं ना कहीं नेताओं के विरोध जो स्पष्ट नजर आए थे उसके बाद में लगातार कांग्रेस ने अपने 7 प्रत्याशियों को बदला भी है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस जिस तरीके से और प्रत्याशियों को बदल सकती है और जहां जहां पर विरोध तेज है वहां पर प्रत्याशी को बदल सकती है। ऐसे में अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो स्थानीय कार्यकर्ता और नेता पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी को रुख कर रहे थे वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगे और इसका फायदा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अच्छा खासा हो सकता है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करती है कांग्रेस तो उसको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि जो कांग्रेस की ओर से जो प्रत्याशी बदले जा रहे हैं उसका कहीं ना कहीं ये बंद हो जाएगा और जो दल बदल की राजनीति है उस पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ हम सबको दिखाई दे सकता है। जी देखिए संदीप, जिस तरह से कांग्रेस ने अपने टिकट बदले हैं लेकिन भाजपा अभी भी रूठों को मनाने की कवायद कर रही है और लगातार डैमेज कंट्रोल करने के लिए रूठे नेताओं को मनाया भी जा रहा है, तो कांग्रेस के इस कदम से क्या भाजपा को अपनी रीति नीति में बदलाव करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार अपने प्रत्याशियों को बदल रही है इससे कहीं ना कहीं भाजपा को अपनी रणनीति बदलनी होगी और क्योंकि कांग्रेस की ओर से जब 2 प्रत्याशियों की भारी भरकम सूची जारी की गई थी तो इसके पहले भाजपा ने अपनी एक अलग रणनीति बनाई थी, लेकिन जब भाजपा की 5वीं सूची आती है और उसके बाद में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में विरोध हम सबको देखने को मिलता है उसके बाद में कई सारे नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में भी जाते हैं और बीजेपी के कई सारे नेता कांग्रेस में भी आते हैं। ऐसे में अब दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी सतर्कतापूर्ण क्वेश्चन होगा और भाजपा को कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार प्रत्याशी बदले जा रहे हैं और विरोध और डैमेज कंट्रोल कांग्रेस की ओर से एक कदम आगे नजर आ रहा है। अगर ऐसे में अगर कांग्रेस भाजपा से कहीं ना कहीं आगे निकलती हुई दिखाई देती है तो विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा भाजपा अपने जो डैमेज कंट्रोल है इसको लेकर कहीं ना कहीं सतर्क हो सकती है और कहीं ना कहीं अपने जो रणनीति है उसको भाजपा को बदलने की जरूरत है। जी
धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ऐसे में कांग्रेस की ओर से बगावती स्वरों पर विराम लगाने के लिए प्रत्याशियों को बदला गया है और आने वाले समय में माना जा रहा है कि अन्य सीटों पर भी प्रत्याशी बदले जा सकते हैं, तो देखना लाजमी होगा कि इसका फायदा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिल पाता है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही ताजा तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।